हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले दोस्तों, आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके जीवन में एक नया अचीवमेंट्स लेकर आए, ऐसी मैं इस वर्ष से कामना करता हूं। भगवान आपके जो भी सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वो फुलफिल करें। आपकी जो भी इच्छा है वो नया वर्ष में पूरी होए। तो इसी के साथ मैं एक श्लोक पढ़ना चाहूँगा जो आपके लिए और हम सबके लिए बहुत ही लाभकारी है। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो दोस्तों, इसी के साथ आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वो भगवान दूर करें और आप अपने ड्रीम्स को पूरा करें। आप अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाकर अपने लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। मैं अभी खड़ा हूँ हमारे खेत पर और आप देख सकते हैं सुबह के बजे हैं 8:30 और अभी भी देखो पीछे कोहरा गिर रहा है और लगभग धुंध छाई हुई है। विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है। आज तो लगभग 12 बजे के आसपास ये कोहरा बंद होगा, तब अच्छे से दिखने लगेगा। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ हमारी फसलें कितना ग्रोथ हुआ है कितना नहीं। तो दोस्तों कमेंट्स कर बताइए और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों बने रहिए। ये हमारा खेत सरसों का और आप देख सकते हैं सरसों काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं और इसमें अभी पानी भी चल रहा है कुएं से। आप देख सकते हो क्या बेहतरीन फूल खिले हैं सरसों में। तो काफ़ी शानदार व्यू है देखने के लिए, देख सकते हो दोस्तों। और इधर ये है मसूर का खेत, मसूर भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो काफी शानदार व्यू है नेचर का। और इधर भी एक खेत है हमारा, इधर भी सरसों ही है दोस्तों, देख सकते हो। इधर साइड में धनिया देख सकते हो। दूर दूर तक धुंध छाई है, विजिबिलिटी बहुत ही कम है दोस्तों, लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम है और फसलें भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट्स कर बताना कोई वीडियो। मैं जा रहा हूँ हमारे नेक्स्ट कुएं पर, यहाँ पर देख सकते हो सरसों में इतना पाला ऊपर गिरा हुआ है। तो मेरे हाथ और ये इधर से मेरी जो जैकेट है वो गीली हो चुकी है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो उस पर भी पानी पड़ा हुआ है पाले का। और इधर ये सरसों और सामने है झोपड़ी जो खेत पर रखवाली करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। और सामने आग जली हुई है, देख सकते हो। जय सियाराम। और दोस्तों देख सकते हो आप ये जली अग्नि और यहाँ पर ताप रहे हमारे दशरथ भाई और संतोष। कितनी ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है। और ये है संतोष भाई की कुटिया, रात को इसमें ही छिपते हैं। और ये है कुआ जो लगभग सूखने के कगार पर है। तो आपने वीडियो में देखा होगा आसपास का नज़ारा फसलों का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो दोस्तों
कमेंट्स करके बताना आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। और दोस्तों लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और फिर से एक बार आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।